हाँ भाई, आप लोग अपनी बुक ले लीजिएगा, जन स्वास्थ्य में जो आपका पाठ्यक्रम भारत सरकार का है, और इसमें आप पेज नंबर 38-39 संक्रामक रोग, क्योंकि संक्रामक रोगों का चर्चा बहुत हो रहा है इसलिए हम ज्यादातर उसको पढ़ा रहे हैं। तो आज हम लेंगे मलेरिया। इसका नाम मलेरिया क्यों पड़ा? MAL के मैंने है बुरी, एरिया हवा से मतलब है, जब बुरी हवा चलती है यानी कि वो मौसम जब मच्छर पैदा होता है, क्योंकि ये एनाफिलीज जो फीमेल मच्छर होती है उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो इसलिए वो काटती है खासतौर से इंसानों को, और अब इंसानों के प्लाज्मा जो है उसके पेट में जाता है तब उसका फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये एक जीवन चक्र है, शैली है, अब हमें अलर्ट होकर रहना है। तो चार तरह का मलेरिया होता है, तो उसमें जो है खासतौर से सबसे ज्यादा जो हिंदुस्तान में मलेरिया होता है तो आप तो जानते ही हैं, सब बातें आपने पढ़ी हैं कि पानी कहीं रुक जाए वहां मच्छर पैदा हो जाते हैं, गंदगी कहीं रह जाए वहां मच्छर पैदा हो जाते हैं, तो कहीं नमी वाली जगह हो वहां पर आप सोते हो वहां पर मच्छर ज्यादा हो जाते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखें। दूसरे मैं बता दूं, क्यूएलएस मच्छर होता है उसकी वजह से जो है आपको फाइलेरिया हो जाता है, एडिस मच्छर होता है उसकी वजह से आपको डेंगू हो जाता है। तो ये जो मच्छर है इनकी रीच सिर्फ हमारे घुटने तक होती है, तो यानी कि पलंग के ऊपर ये नहीं चढ़ सकते। और हमें, मैं देखता हूँ अक्सर जाता हूँ घूमने के लिए सुबह को तो कंपनी गार्डन वगैरह में, तो वहां पर लोग अंडरवियर पहन के आते हैं, तो हमें जो है ना फुल पैंट पहनने चाहिए या पजामा जो भी कुछ हम पहनते हो ताकि वो मच्छर हम पे अटैक ना कर सके और हम डेंगू से, बल्कि हाँ एक लफ्ज और बता दें आपको, DENGUE डेंगू है लफ्ज ये, लेकिन इसको डेंगी पढ़ा जाता है। आप इसका जो प्रोनाउंसिएशन देखेंगे ब्रिटिश, खासतौर से ब्रिटिश में, इंग्लिश में तो उसका जो है डेंगी है, तो उससे ये हो जाता है। तो मलेरिया से बचने के लिए जो दवाई दी जाती है वो आप जानते हैं क्लोरोक्वीन है, और आपको ताज्जुब होगा जो कोरोना वायरस में जो दवाई दी जा रही है तो वो दवाइयाँ भी खासतौर से क्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्सो क्लोरोक्वीन दी जाती है। तो ये जो दवाई है बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन इंडिया में ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो गई है। और एक मैं आपको और बता दूं कि किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को ये दवा नहीं देनी चाहिए। तो अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को मलेरिया है तो ये ख्याल रखें कि ये दवा, या कोरोना है तो ये दवा बिल्कुल ना दें उसको, तो उससे बच्चा जो है गेम में अवॉर्ट हो जाएगा और प्रॉब्लम भी और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो मैं इससे पहले ही बता दूं, देखिए पूरे विश्व में जो ये लॉकडाउन हुआ हुआ है, महामारी हुई हुई है कोरोना की वजह से, तो हिंदुस्तान ने अमेरिका जैसे शक्तिशाली कंट्री को भी देखिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन भेजी है, बल्कि 30 कंट्रीज को भेजी है। तो भारत का ये हमेशा एक बहुत अच्छा किरदार रहा है, और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा ये किरदार हमेशा बना रहे, आप इतने सहनशील हों, आप पूरे विश्व को अपना समझें, तो पूरे विश्व में भेजिए, और बहुत ही इससे भारत की छवि अच्छी हुई है। तो आज हम मलेरिया के बारे में बताएंगे कि मलेरिया जो है हमारे जो पहले तो बहुत ज्यादा इससे बीमार होते थे लोग, और बहुत लोग मरते थे इससे संक्रमण से। एक प्लाज्मोडियम होता है एक्चुअली, जब आप पढ़ेंगे तो पैरासाइट्स क्या होता है, जो खुद कुछ नहीं करते, दूसरे की बॉडी से अपने आप को नॉरिश करते हैं। तो समाज भी वैसे बहुत से लोग होते हैं कुछ नहीं करते, लोगों से चंदा लेकर, लोगों से को बेवकूफ बनाकर या और तरीके से अपना निर्वाह करते हैं, जीवन निर्वाह करते हैं। तो ऐसे ही ये मच्छर जो है प्लाज्मोडियम, जिसका जो अंदर हमारे जाता है, तो एक तो हम इसका टेस्ट सिखा देते हैं। तो टेस्ट के लिए देखिए ये है, ये निकाल लीजिए आप, ये आपकी बुक है जो भारत सरकार की तरफ से मिली हुई है, और इसका पेज नंबर जो है एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है और पेज नंबर इसका 5 है प्रैक्टिकल मैनुअल का, मतलब ये संक्रमण रोगों में आप इसका जाके देखें। तो इसकी स्लाइड तैयार करना बहुत आसान है, कि कोई भी पेशेंट आए आपके पास में पहले तो उसको सिम्टम्स ही मालूम करें, अगर उसको तीसरे दिन बुखार आता है, सातवें दिन बुखार आता है, चौदहवें दिन बुखार आता है, और उसको इंटरमिटेंट फीवर होता है। इंटरमिटेंट फीवर क्या होता है कि तेजी के साथ बुखार चढ़ता है और फिर तेजी के साथ में बाद में ठंड के साथ कपकपे के साथ में बुखार उतर जाता है, हत्ता के लिहाफ या रजाई या कंबल डालना पड़ता है उसके ऊपर। तो ये तो उसके सिम्टम्स हुए। बार बार पेशाब आता है, जब आप उसके यहाँ इस जगह दबाएंगे जहां पर स्प्लीन होता है, तो स्प्लीन की जगह दबाएंगे तो उसको पेन महसूस होगा,
और उसको जब क्योंकि स्प्लिन इसमें सूज जाती है, उसमें सूजन आ जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्ट इसका स्प्लिन में ही होता है, तो ये इसकी पहचान है। लेकिन तो आप कुछ भी ना करें, उसकी एक उसको ड्रॉप्स लें, ऐसे यहां से ब्लड लें, और ब्लड लेने के बाद में जो किट है आपके पास में, उस किट में या तो यहां से ले लें या वेन से निकाल लें आप उसको, तो इस जगह से ले लें और उसको रख दें थोड़ी देर। अगर आपके पास में वो जो प्लाज्मा निकालने के लिए होता है जो मशीन होती है, तो उसको वो नहीं है अगर आप पे सेंट्रीफ्यूगल मशीन, तो आप जो है रख दीजिए। रखने के बाद में ब्लड अलग हो जाएगा, प्लाज्मा अलग हो जाएगा, क्योंकि प्लाज्मा से टेस्ट होता है। इसका टेस्ट भी प्लाज्मा से होता है और कोरोना का टेस्ट भी प्लाज्मा से होता है, और इसलिए जो है इसको प्लाज्मा की एक या दो ड्रॉप जो आपके पास किट है उस किट में डाल लीजिएगा। उसकी जो तरफ लिखा रहता है यहाँ डालिएगा, वो ऐसा छेद बना रहता है, तो उसमें जब डालेंगे आप तो वो ऐसा 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 नीचे एब्जॉर्ब होने लगेगा, जैसे वो होता है लिटमस पेपर, उस टाइप से उसमें केमिकल लगा रहता है, और वहां पर लाइन दी रहती है, उस पर एक पे सी लिखा रहता है, तो एक पे मतलब मीडियम होता है, एक पे हाई होता है, एक पी होता है प्लाज्मोडियम, मतलब पी वाइवैक्स होता है, वी होता है, एक होता है पी फैल्सिपरम, तो एक पे सी होगा, एक पी होगा, एक एफ होगा। तो एफ पे है तो इसका मतलब ये फैल्सिपरम उसको हो गया है, और पी पे है इसका मतलब उसको पी वाइवैक्स है, पी वाइवैक्स। तो बहुत आसान सा इलाज है वैसे ये, तो इलाज जो आप जानते हैं, मैच प्लस टेबलेट दे सकते हैं, मैच इंजेक्शन दे सकते हैं, आप क्लोरोक्विन दे सकते हैं अगर उसे रेजिस्टेंस नहीं हुई तो, और प्रेग्नेंट नहीं है तो। लेकिन उसको साथ साथ में उसको हेल्दी डाइट भी देनी चाहिए, और जब बहुत तेज बुखार हो तो बुखार उतारने की दवा नहीं दी, बुखार इसमें खुद उतर जाता है, क्योंकि एक प्रोसेस है हमारे बॉडी का, चाहे कोरोना का वायरस हो, चाहे मलेरिया का प्लाज्मोडियम हो, या डेंगू का हो, किसी भी डेंगू का हो, वो किसी का भी हो, वो हमारे बुखार जो प्रोसेस होता है, तो हमारी WBC उसमें बहुत अच्छा वर्क करती है और इसको डिफीट दे देती है, और डिफीट देने के बाद में इसको भगा देती है बॉडी से। वो बात हो रही, थोड़ी बहुत ये रेसिड्यू जैसे स्प्लीन में या लीवर में रह जाते हैं, उसके बाद में फिर ये अपनी संख्या बढ़ाते हैं, और फिर हमारी इम्यूनिटी जो कमजोर हो जाती है उसका फायदा उठाते हैं, फिर दोबारा से आक्रमण करते हैं, और फिर हमारी बॉडी इससे लड़ती है, इसलिए तीसरे दिन तैया के नाम से बुखार होता रहता है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है हमारे यहाँ, तो गिलोय है, नेचुरोपैथी में इसको गिलोय से देते हैं, अगर गिलोय का पानी आप पिलाते रहें तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और होम्योपैथिक में सिनकोना है। और बल्कि आपसे एक और बिल्कुल अमेजिंग बात बताएं, मलेरिया ही एक किताब का ट्रांसलेशन कर रहे थे डॉक्टर सैमुअल फ्रेडरिक हैनीमैन, तो उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी थी MD करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो उसमें लिखा हुआ था सिनकोना की पत्तियां अगर किसी इंसान को पिलाया जाए तो तेज बुखार जाड़े के साथ में हो जाएगा मलेरिया, और अगर यही उसको मलेरिया में दी जाए तो यही पत्तियां तो उसका बुखार ठीक हो जाएगा। तो यही तरीका है, चाहे कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई जाए, दवाई बनाई जाए, और चाहे TB की बनाई जाए, तो ये कोई भी चीज बनाई जाए, वो उसी चीज के सेम सिम्टम पैदा किए जाते हैं बॉडी में, और फिर उसी को वो किल करते हैं, ताकि बॉडी में जो एंटीबॉडीज हमारे, यानी जो हमारा इम्यून सिस्टम है बॉडी का, जो हिडन होता है, जिसे डिफेंस मैकेनिज्म भी कह सकते हैं, रोग प्रतिरोधक शक्ति भी कहते हैं, प्रतिरक्षण शक्ति भी कह सकते हैं, तो हम उसको जागृत करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर ही हर बीमारी को स्वयं खत्म करता है। सपोज हम विटामिन C भी लेते हैं या कोई भी दवा लेते हैं, वो दवा नहीं किल करती, बल्कि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उसके साथ जाकर के वो सहायक करती है, तो हमारी बॉडी स्वयं ही ठीक करती है। इसलिए मैं लोगों से ये प्रार्थना करता हूं, कोशिश करता हूं, देखिए कोरोना में अभी इंग्लैंड के जो वो है क्या नाम उनका प्रिंस, तो उनको भी सुना हो गया था कोरोना, और फिर पेपर में न्यूज आई कि उनको जो है नेचुरोपैथी से ठीक हुए वो, तो ऐसे ही हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल साहब, वो फिर नेचुरोपैथी में उनकी खांसी कितने दिन से, इतने बड़ा आदमी है, इतना काबिल आदमी, पढ़े लिखे इंसान है, क्या उन्होंने डॉक्टरों को नहीं दिखाया होगा, बहुत डॉक्टर से इलाज किया, हर वक्त मफलर बांधे रखते थे, हर वक्त खांसते रहते थे, तो वो वहां पर गए नेचुरोपैथी में ठीक हो गए। तो नेचुरोपैथी हॉस्पिटल हमारे यहाँ नेशनल मेडिकल कॉलेज में भी है, सब जानते हैं, और दूर दूर से लोग आते हैं, सब ठीक भी होते हैं। तो हमारी जो अगर बॉडी की रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है तो फिर हमें किसी किस्म की परवाह नहीं करनी। तो आज मैं आपको जो दे रहा हूँ, खासतौर से मैं खाली ना बैठे, तो पेरिफेरल ब्लड स्मेथ की जो स्लाइड बनती है वो कैसे बनती है, जो किट आती है वो कैसी होती है, और किट को हम कैसे डालते हैं, स्टेनिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपको लानी है। और एक सवाल आया है कि भाई क्या जैसे कोरोना वायरस के मरीज
से खांसने से या छींक से कोरोना हो सकता है, तो क्या टीबी भी ऐसा होती है? हो सकती है बिल्कुल, अगर उसका एसिड फैसिलाई बेसिलस यानी AFB टेस्ट पॉजिटिव है और टीबी वाला खांस रहा है छींक रहा है, तो आपको सामने वाले को भी टीबी हो सकती है। तो इसलिए जरूरी है जो टीबी वाला है वो भी मास्क लगा कर रहे और उससे दूरी फिजिकल डिस्टेंस बना कर रहे। पति पत्नी भी मतलब जो इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें टीबी है, इस बात को ध्यान रखते हुए अपने संबंध स्थापित रखें। और मैं इसका ये खास जवाब था, और मैं आपसे कहूंगा कि आप अपना मलेरिया की पूरी साइकिल बनाएं, प्यूबा लार्वा साइकिल किस तरह होता है और कैसे ये हमारे लीवर में रहता है और कैसे कैसे पूरी बॉडी में ब्लड में कैसे कैसे आके फिर ये शांत बैठ जाता है, फिर दोबारा से बुखार कैसा करता है, वो जो चक्र है, वो जो साइकिल है, वो कैसे बनती है, और एनोफिलीज जो मादा मच्छर है उसका फोटो बनाए, उसको कैसे खत्म किया जा सकता है, और मलेरिया ना हो इसके लिए भी मैं आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूं कि 1 हफ्ते में 1 टेबलेट आप दे दें, इसमें सिर्फ क्लोरोक्वीन की, उसको क्लोरोक्वीन की 1 हफ्ते में गोली देंगे तो ये प्रोफाइलेक्टिक वर्क करेगी, और अगर क्लोरोक्वीन उसको माफिक नहीं आती तब उसको निवाक्यून दे दीजिएगा, तो निवाक्यून की गोली देंगे तो फिर वो उसको मलेरिया नहीं होगा। खासतौर से डॉक्टर्स या ऐसी जगह रहने वाले लोग जहां पर मच्छर बहुत हैं और वो एहतियात नहीं कर पाते, तो ये सब चीजें बना के लाएंगे, चार्ट बना के लाएंगे, फाइल लिख के लाएंगे और मलेरिया का पूरी उसका जो साइकिल है वो बना के लाएंगे, लिख के लाएंगे, और इसको कैसे जो हमारा राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन डेडिकेशन प्रोग्राम है उसके क्या क्या काम है, क्योंकि आप लोगों को जो CCS कर रहे हैं, DCS कर रहे हैं या और जो कोर्स कर रहे हैं उन लोगों को सरकारी विभाग में भी लिया जाता है, तो उनको मालूम होना चाहिए कि हमारे जो नेशनल प्रोग्राम है कंट्रोल मलेरिया का वो क्या है और हमें इसकी एहतियात कैसे रखनी चाहिए, सैनिटाइजेशन किस किस चीज से किया जाता है, क्या DDT से किया जाता है या किसी और चीज से, इन ये सब सवाल आपको दिए जा रहे हैं, आप इसकी स्टडी करें और उसके बाद में हमें भेजें। धन्यवाद, थैंक यू।